Hello everyone, myself Baldev and our today's topic is Fajan's rule. Okay, what Fajan's rule? This is very interesting and very important topic of chemical bonding. Basically, this topic will help us to know about the covalent nature in ionic compound. Okay, ionic compounds में covalent character क्या होता है, कितना होता है या क्या order आएगा अगर जो कई सारे आयनिक कंपाउंड्स दिए हो तो उसके बारे में हम इस रूल से जानेंगे. ओके, सो बेसिकली फजान्स रूल को हम लोग तीन पार्ट में इस बार पढ़ने वाले हैं. तीन टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे. फर्स्ट टाइप इज वेरी इजी, यू माइट नो, बट सेकेंड एंड थर्ड टाइप जो वाकई में आईटी और नीट या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को पसंद है हम उसको अच्छे से कवर करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो प्लीज सेकेंड एंड थर्ड टाइप को मैं भी से बोल रहा हूँ, सेकेंड एंड थर्ड टाइप को आप बहुत फोकस के साथ पढ़ेंगे. फर्स्ट टाइप इज यस इंटरेस्टिंग, नो डाउट, बिकॉज इट इज बेसिक. बेसिक है तो उसी से आप आगे बढ़ पाएंगे, है ना. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, फजान्स रूल क्या है? देखो, सी आपने पढ़ा कि कोवेलेंट केमिकल बॉन्डिंग में कि एक मॉलिक्यूल होता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल या कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड मैं बोला था आपने, कोवेलेंट बॉन्ड हैज आयनिक नेचर. एवरी कोवेलेंट कंपाउंड हैज सम आयनिक कैरेक्टर. लाइक अगर जो मैं एक इसकी बात करूं, एक मॉलिक्यूल ले लूं HCl, तो HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इसकी तरफ थोड़ा शिफ्ट होता है क्लोरीन की तरफ, है ना. इधर शिफ्टिंग होने की वजह से इसके पार्शियल नेगेटिव आता है, इसके पार्शियल पॉजिटिव. और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कैटायन और एनायन आपस में आके जुड़े हैं, तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते थे आयनिक बॉन्ड. तो यहां पे इस मॉलिक्यूल को देखें तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, और चार्ज का आना किसकी प्रॉपर्टी है? तो आप बोलेंगे आयनिक कंपाउंड्स की. तो कुछ नेचर है इसके अंदर आयनिक कंपाउंड्स का. ठीक है, दिस बॉन्ड इज पोलर. दिस बॉन्ड इज व्हाट? पोलर. पोलर मीन्स पोल्स जनरेट हो जाए, ऐसे ऐसा बॉन्डिंग हो एटम्स के बीच में कि दो पोल्स जनरेट हो जाए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव. ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं पोलर कंपाउंड. ओके, या पोलर बॉन्ड. दिस बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड. फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर फिर H और H तो दोनों का देखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींच लिया था इसने अपनी तरफ, है ना. लेकिन इसमें क्या है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी सेम, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कहां रहेगा? एग्जैक्टली बीच में. एग्जैक्टली कहां रहता है? बीच में. पर बेटा जी यहां पे भी आयनिक कैरेक्टर होता है, बहुत कम होता है लेकिन यहां पे भी होता है. क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है H2 मॉलिक्यूल्स, दो H2 के मॉलिक्यूल्स आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं, और इस बॉन्ड को हम लोग अच्छे से नाम दिए थे. क्या इस बॉन्ड को नाम दिए थे? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल या फिर लंडन फोर्स बोलते थे इसको. इसमें क्या होता था? यहां पे डाइपोल इंड्यूस होता है वाइब्रेशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से. जब जर्क आता है मॉलिक्यूल के अंदर तो एक डाइपोल इंड्यूस हो जाता है, टेम्परेरी डाइपोल. तो जैसे ही इसके अंदर एक डाइपोल इंड्यूस होगा, ये कैसा दिखेगा? डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव की तरफ. और उस समय पर सिस्टम कैसा हो जाएगा? आयनिक. कैसा हो जाएगा? आयनिक. इसका मतलब कि कोई भी कंपाउंड 100% कोवेलेंट नहीं होता है, उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर भी होते हैं, कुछ आयनिक कैरेक्टर भी होते हैं. ओके, पर आज हम इसके बारे में नहीं पढ़ने वाले. हमारा टॉपिक ये नहीं है कि हम कोवेलेंट में आयनिक ढूंढें. हमारा टॉपिक ये है कि आयनिक कंपाउंड किस तरह से कोवेलेंट होते हैं. ठीक है, मीन्स एवरी आयनिक कंपाउंड हैज सोवेलेंट, सो सम कोवेलेंट कैरेक्टर. इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, फजान्स का ये पॉइंट है. क्या? एवरी आयनिक कंपाउंड हैज सम कोवेलेंट कैरेक्टर. ठीक है, बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग क्या कवर करेंगे कि चार पांच मॉलिक्यूल दिया रहेगा, आयनिक कंपाउंड दिया रहेगा, उसमें आपको आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना होगा, या फिर आपको बताना होगा कि उसका कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या ऑर्डर होगा. ठीक है, चलिए तो समझते हैं. चलो एक पॉइंट समझते हैं. सी बहुत ध्यान समझिएगा. लेट्स से ये एक कैटायन है, उसका न्यूक्लियस और इस पे है पॉजिटिव चार्ज. कैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा ही, ये न्यूक्लियस है, और उसके बगल में एक है एनायन. बगल में नहीं है, दूर है, ये है एनायन. ठीक है,
मान लिया कि ये दोनों इनफाइनाइट दूरी पे हैं एक दूसरे से, अभी इनफाइनाइट दूरी पे, देखो इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है पूरी तरह से, सिर्फ एक टाइप का चार्ज है, एक टाइप का चार्ज होगा तो इसका म्यू क्या होगा, जीरो। डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसके अंदर, जीरो, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा इसके, ये पोलर नहीं है, सिर्फ एक पोल है, दो पोल होते हैं तब डाइपोल बोलते हैं हम लोग। इसमें भी क्या है, एक एनायन है, इसका भी म्यू क्या होगा, जीरो। दिस इज व्हाट एनायन, दिस इज व्हाट कैटायन, दिस इज कैटायन एंड दिस वन इज एनायन, बोथ आर सेपरेटेड, बोथ आर आइसोलेटेड, दोनों अलग अलग है, दोनों दूर है अभी। धीरे धीरे क्या हुआ, ये कैटायन मूव किया इस एनायन की तरफ, ये कैटायन चलता चलता जाता है किस तरफ, इस एनायन की तरफ। इस एनायन के पास क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे जैसे ये पास आएगा, आप सोचो क्या होगा, आप खुद से सोचो क्या होगा, आप खुद दिमाग लगाओ क्या होगा। अट्रैक्शन, रिपल्शन, बहुत सारे ड्रामे होने शुरू हो जाएंगे जैसे ही इसके क्लोज आएगा। तो जैसे ही मान लीजिए इसके क्लोज आ गया, ये कैटायन आ गया इस एनायन के पास, तो होगा क्या, देखो होगा क्या, ये कैटायन, इस कैटायन का कौन, न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज क्या है, न्यूक्लियस के अंदर, तो इस कैटायन का पॉजिटिव चार्ज इस एनायन के, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दिख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा, कौन, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो जब ये खींचेगा इसके इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे 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 इसकी तरफ आएंगे, धीरे 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 इसकी तरफ आएंगे, और यहां पे जो इसका हुलिया इस तरह से एकदम प्यारा सा दिख रहा था, अब इसकी शक्ल बिगड़ जाएगी, और वो देखिए किस तरह से दिखने लगेगा, वो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। दिस इज, ये मींस, ये पॉजिटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहां पे थी, अब मैक्सिमम कहां पे आ गई, इस जगह पे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे आ गई, इस जगह पे। होना किस कैसा चाहिए था इसको, इसको ऐसे होना चाहिए था, इसको इस तरह से होना चाहिए था, ये गोल राउंड देखो ऐसे था ये, पर अब वो कैसा हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाग के यहां पे आ गई, किसकी तरफ, इस कैटायन की तरफ, इस कैटायन की तरफ आ गई, है ना, यानी इसका शक्ल बिगड़ गया, डिस्टॉर्शन हो गया किसके अंदर, एनायन के अंदर। इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो इधर ज्यादा नेगेटिव, इधर कम नेगेटिव, तो अब इसका म्यू जीरो नहीं होगा, अब ये एक पोलर हो गया, है ना, अरे है ना। तो इस बेसिकली क्या हुआ, जैसे कैटायन इसके पास आया, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचा, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि ये एनायन है, एनायन होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और ज्यादा होंगे तो इसको अपनी तरफ खींच के लाएगा, और खींच के लाएगा तो देर इज अ डिस्टॉर्शन, देर इज व्हाट डिस्टॉर्शन इन एनायन, वी कॉल इट डिस्टॉर्टेड एनायन, डिस्टॉर्टेड एनायन, डिस्टॉर्टेड एनायन। अब आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर कुछ इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर भी होंगे, कैटायन वाले के भी अंदर होंगे, बिल्कुल सही बात है, और इसके पास भी न्यूक्लियस है, ये भी बात सही है, तो क्या इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका भी न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि अगर जो इसमें बात करें तो इसमें भी कुछ हद तक पोलराइजेशन होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा शिफ्ट होगा, हल्का सा। अब मैं बोल रहा हूं हल्का सा क्यों, हल्का सा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बेटा ये है कैटायन, ऑलरेडी है ये पॉजिटिव चार्ज, अगर जो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है, बचे कुचे इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से पकड़ के रखा होगा, जाने नहीं देगा वो, बचे कुचे इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से पकड़ के रखा होगा, ये जब खींचेगा इजिली ये इलेक्ट्रॉन अपना जाने नहीं देगा, ठीक है, जब ये जाने नहीं देगा तो इसके अंदर पोलराइजेशन उतना ज्यादा नहीं आएगा, तो इसका म्यू ऑलमोस्ट जीरो होता है, एग्जैक्टली जीरो नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ डिस्टॉर्शन तो होगा, ये तय बात है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं डिस्टॉर्टेड, ये क्या है, अनडिस्टॉर्टेड, अनडिस्टॉर्टेड एनायन, अनडिस्टॉर्टेड कैटायन, दिस इज व्हाट अनडिस्टॉर्टेड, ये भी अनडिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, अगेन दिस डिस्टॉर्टेड कैटायन, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वॉट,
कि ये डिस्टॉर्टेड कैटायन में जो डिस्टॉर्शन है वो इतना ज्यादा नहीं है, वो बहुत ज्यादा नहीं है इसके अंदर। डिस्टॉर्शन बेसिकली किसके अंदर आएगा, इसके अंदर है ना। अब मैं एक नया टर्म यूज करने जा रहा हूं, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला, इस कैटायन के इन्फ्लुएंस में आके इस एनायन ने अपने इलेक्ट्रॉन को उसकी तरफ शिफ्ट करा दिया। जब इधर शिफ्ट कराया, देखो इधर से शिफ्ट करा दिया ना इसकी अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट कराया तो इस एनायन को हमने क्या नाम दिया, हमने बोला कि इट इज व्हाट, डिस्टॉर्टेड एनायन। इसी को हम लोग एक नया नाम देते हैं और बोलते हैं इट इज व्हाट, पोलराइज्ड। बोलते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोलराइज हो गया, किसकी तरफ, इस कैटायन की तरफ। तो वी कॉल इट पोलराइज्ड एनायन, वी कॉल इट व्हाट, पोलराइज्ड एनायन। क्या बोलेंगे इसको बेटा, पोलराइज्ड एनायन। तो पोलराइजेशन हो गया किसके अंदर, एनायन के अंदर, किसने कराया, इस कैटायन ने। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर हो गई, कंफर्म करो एकदम ये बात क्लियर है, हाँ ना। क्या बोला मैंने कि ये कैटायन जब इसके पास आएगा, अब मैं और टर्म यूज कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, मैं बोल रहा हूं कि ये कैटायन और एनायन भीड़ भाड़ में नहीं मिलेंगे, भीड़ भाड़ में नहीं मिलना है, नहीं तो ये इधर उधर देखेगा, ये भी इधर उधर देखेगा, चार तरफ देखेंगे, अगल बगल के माहौल में बिजी हो जाएंगे दोनों के दोनों। तो एक दूसरे पे जो इफेक्ट लगना था वो उतना प्रॉपर नहीं लग पाएगा। इन दोनों को हम कोशिश करेंगे कि अकेले मिले हैं लोग, कैसे, हम कहेंगे कि तुम दोनों अकेले सेपरेट मिलो, सेपरेट है ना, होता है ना शादी में, जब शादी होने से पहले जब दिखाते हैं लड़का लड़की को तो क्या बोलते हैं, भाई जाओ थोड़ी देर अकेले अपना बात बात कर लो, समझ लो एक दूसरे को। तो वही कहानी, आइसोलेट करते हैं उन दोनों को। तो यहां भी हम इस कैटायन और एनायन को आइसोलेट कर रहे हैं, कह रहे हैं जाओ और अपने आप एक दूसरे को समझो। क्या सीन है कि एग्जैक्टली जब आप लोग एक साथ होते हो तो क्या सीन बनता है ना। तो देखो यहां पे हम लोग बेसिकली कंप्लीट इफेक्ट का जो देखना है इस कैटायन का, इस एनायन के ऊपर, तो हमें इन दोनों को अकेले मिलाना होगा, यानी आइसोलेटेड कंडीशन में मिलाना होगा। क्लियर हो गई बात, ये कंफर्म, ओके। तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन अ कैटायन एंड एनायन कम्स क्लोजर इन एन आइसोलेटेड कंडीशन, इन एन आइसोलेटेड कंडीशन, देन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैटायन, गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स व्हाट, कैटायन, एंड सिमिलरली द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कैटायन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनायन, बट ओके कैटायन। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिस्टॉर्शन अकर्स इन बोथ द आयंस, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिस्टॉर्शन अकर्स इन बोथ द आयंस, दोनों आयन में क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा। बट ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, द डिस्टॉर्शन इन कैटायन इज वेरी लेस, द डिस्टॉर्शन इन कैटायन इज वेरी लेस, एंड ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ एनायन द डिस्टॉर्शन इन एनायन इज वेरी हाई, ड्यू टू विच दिस डिस्टॉर्शन इज अप्रिशिएबल और मेजरेबल। ओके, इसको हम लोग अप्रिशिएबल नहीं मानते हैं, इसको मानते हैं, और इस तरह के डिस्टॉर्शन को हमने बोला क्या, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन किसके अंदर हुआ, एनायन के अंदर, किसने कराया, कैटायन ने कराया। ठीक है, यानी दो तरह की चीज हो रही है, एक जो पोलराइज करा रहा है, एक जो पोलराइज हो रहा है। ठीक, ये बात समझ में आएगी। अब छोटी सी बात और समझते हैं, समझ लो पहले, बाद में लिखना। देखो ये था अपना क्या, ये कैटायन की बाउंड्री थी और ये एनायन की बाउंड्री थी पहले, यहां पे देखो ये कैटायन की बाउंड्री है और ये एनायन की बाउंड्री है, बिल्कुल अपने अपने बाउंड्री में है दोनों के दोनों। ठीक है, कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव, कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव होता है तो 100% आयनिक होता है, हाँ है ना। अच्छा साहब, यहां देखो क्या हुआ, जैसे ये कैटायन पास आया देखो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो बाउंड्री थी यहां पे, इसको लांग के दूर आई, और दूर आने के बाद बेसिकली हुआ क्या, ये इन दोनों के न्यूक्लियसेस के बीच में आने की कोशिश कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां आने की कोशिश कर रहा है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में,
और दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन का आना क्या बता रहा है? ऐसा कौन सा बॉन्ड होता था जब इलेक्ट्रॉन बीच में रहा करते थे? कौन सा बोलो? कोवेलेंट बॉन्ड, है ना? तो यहां पे बेटा कोवेलेंट नेचर आ रहा है, क्लियर है ना? ये है कोवेलेंट नेचर, इसकी वजह से आया कोवेलेंट नेचर इस सिस्टम के अंदर, क्लियर वही बात ये? सो नाउ अब दो बातें, क्या एक जो पोलराइज करा रहा है और एक जो पोलराइज हो रहा है, जो पोलराइज कराएगा उसको हम एक नाम देते हैं पोलराइजिंग पावर, और जो पोलराइज हो रहा है यानी एनायन, इसको बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, एक है पोलराइजिंग पावर और दूसरा है पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिंग पावर किसके लिए डिफाइन है, किसके रिस्पेक्ट में? पोलराइजिंग पावर इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू कैटायन। मेजरेबल किसके अंदर डिस्टॉर्शन आ रहा है? एनायन के अंदर ना, करा कौन रहा है? कैटायन। तो पोलराइजिंग पावर किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे? इसी के ना, कैटायन के। और कौन पोलराइज हो रहा है ज्यादा? तो एनायन। तो पोलराइजिबिलिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू एनायन। पोलराइजिबिलिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू एनायन। पोलराइजिंग पावर इज विथ रिस्पेक्ट टू कैटायन। ओके, नाउ व्हाट इज पोलराइजिंग पावर? क्या बोलेंगे पोलराइजिंग पावर? तो यही बोलेंगे इस कैटायन की टेंडेंसी, इस कैटायन की एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, इस कैटायन की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी इसके अपनी तरफ खींचने की, वही होगी उसकी पोलराइजिंग पावर, उतना ज्यादा होगा उसका पोलराइजिंग पावर। सो द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ व्हाट इज पोलराइजिबिलिटी? अब देखो, अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि ये जाके खींच के लाएगा, घसीट के लाएगा इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। अब हम कह रहे हैं कि इसकी कितनी ज्यादा पावर थी कि इसके इलेक्ट्रॉन घसीट के लाए, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, हो सकता है ये भी चाह रहा हो कि मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ तुम, हो सकता है ये भी चाह रहा हो कि हाँ ठीक है इलेक्ट्रॉन ले जाओ, तो इसका भी तो कुछ कंडीशन होगा। अगर जो इसका इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से पकड़ लेता ये एनायन, तो क्या जाने देता उसको? क्या ये इलेक्ट्रॉन जाने देता? नहीं जाने देता, है ना? तो ये कितना अपने इलेक्ट्रॉन को लूजली बाउंडेड किया हुआ, आराम से पकड़ा हुआ है, बहुत स्ट्रांगली नहीं, जितना इजीली होल्ड किया होगा उतना आसानी से दे देगा, जितना टाइटली होल्ड किया रहेगा उतना मुश्किल से देगा। यानी कि इसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि डिस्टॉर्शन कितना ज्यादा या कितना कम हुआ उसके, आया ना बात समझ आ गई? तो पोलराइजिबिलिटी के रिस्पेक्ट में एनायन कैसे डिफाइन करेंगे, और क्या बोलेंगे? पोलराइजिबिलिटी इज व्हाट? द एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैटायन। इसके इन्फ्लुएंस में आके इसकी खुद की कितनी एबिलिटी है कि अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करे? पोलराइज करा ले, है ना? क्या कर ले? पोलराइज करा ले। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी में, और एक एक करके हम अब टाइप वन की तरफ मूव करते हैं। ठीक, तो मैं इसको हटा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो पोलराइजिंग पावर को अफेक्ट करेंगे? अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी चीज जानते हैं, एक चीज मैं डिफाइन कर रहा हूं, फाई। इस फाई को बोलते हैं हम लोग चार्ज ऑन कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन, और समटाइम्स वी कॉल इट रेडियस ऑफ कैटायन। और इस फाई के दुनिया भर के नाम है, पहला तो नाम यही है कि इसको बोलते हैं आयनिक पोटेंशियल, एक नाम है।
दूसरा नाम है इसका चार्ज डेंसिटी, भी कहीं कहीं बोल बोलते हैं लोग चार्ज डेंसिटी। साइज को अगर वॉल्यूम की तरह ट्रीट करें तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम इज व्हाट डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम इज व्हाट मास डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम इज व्हाट चार्ज डेंसिटी, ठीक है। या फिर इसी को एक और नाम लेते हैं डिग्री ऑफ कोवेलेंसी, इसका भी समझाता हूं मैं क्या मतलब है। डिग्री ऑफ कोवेलेंसी या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर मींस फाइल जितना ज्यादा, यानी कि समझना ध्यान से, चार्ज ऑन कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यानी कि ये फाइल आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज डेंसिटी होगी उतना ज्यादा वो क्या करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा एनायन को पोलराइज कराएगा, यानी कि जितना ज्यादा ये उतना ज्यादा क्या पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, पोलराइजेशन फाइ जितना ज्यादा उतना ज्यादा क्या पोलराइजेशन, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा क्या कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा मेरे लाल, आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर बोलो, आयनिक कैरेक्टर उतना कम, तो कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतना कम, बात समझ में आ गई। अब समझो ध्यान से इस पॉइंट को, आयनिक पोटेंशियल को, या फिर बेसिकली डिग्री ऑफ कोवेलेंसी या पोलराइजिंग पावर को, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, एक चार्ज कैटायन के चार्ज पे और कैटायन के साइज पे, ठीक है। पोलराइजिंग पावर की बात कर रहे हैं और ये किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन है बेटा, तो हमने बोला ये डिफाइन है कैटायन के रिस्पेक्ट में, है ना। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट हम लोग बोलेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर में पहला क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर में सबसे पहला आएगा साइज ऑफ कैटायन। तो साइज ऑफ कैटायन में देखो, साइज जितनी छोटी होगी ये वैल्यू जितनी कम होगी, ओवरऑल वैल्यू जितनी छोटी वैल्यू डिवाइड करोगे ये वैल्यू उतनी बड़ी क्या आ जाएगी, ये वैल्यू जितनी छोटी ये ओवरऑल वैल्यू उतनी बड़ी। और जितने साइज छोटा उतना ज्यादा फाई, और जितना फाई ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर उतना कम, सिंपल सी बात है। यानी कि एज द साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, फाई डिक्रीजेस, ये कम होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं और समझ लेते हैं कि अपनी बात कितनी सही है। NaCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, ठीक है, ध्यान से देखो। तो कैटायन पे प्लस वन है सभी पे और एनायन पे माइनस वन है। एनायन को देखिए तो एनायन फिक्स है, एनायन क्या है फिक्स, एनायन फिक्स है, एनायन फिक्स है, कैटायन एनायन पे चार्ज फिक्स है, कैटायन फिक्स नहीं है, कैटायन बार बार पलट रहा है, बदल रहा है ना। तो साइज ऑफ कैटायन की बात करते हैं, क्योंकि साइज ऑफ कैटायन की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें क्या है चार्ज ऑन कैटायन फिक्स है, चार्ज ऑन कैटायन सेम है। तो देखो अगर ध्यान से Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस Cesium प्लस, सबसे एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, फर्स्ट एक एलिमेंट होंगे, टॉप टू बॉटम आने से सेल्स बढ़ती है, और सेल्स बढ़ती है तो साइज क्या होगा बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो इसका फाई क्या होगा घटेगा, यानी फाई घटेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी घटेगा। तो देखो इधर से इधर साइज बढ़ रही है, और साइज बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता जाएगा,
क्योंकि 5 कम होता जाएगा. तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर? दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर. अब जो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर पूछें तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है? एलआईसीएम. व्हाई इट इज? बिकॉज लिथियम की साइज बहुत छोटी है. बहुत छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन झकझोर के रख देगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के, किसके? क्लोरीन के. और इतना ज्यादा खींच लेगा कि दिस कंपाउंड इज ऑलमोस्ट, 11th में आपको बताया गया होगा, दिस इज कंसिडर्ड एज कोवेलेंट. इसको कंसीडर कर लेते हैं कोवेलेंट में, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, इतना खतरनाक लेवल का ये होता है. किसको हम लोग कंसीडर करते हैं? कोवेलेंट. दो, वन इज मेटल, अंदर इज नॉन मेटल. एक मेटल और एक नॉन मेटल है यहां पे, बट इट इज कंसीडर. इतना भयंकर पोलराइजेशन कराता है लिथियम, इतनी स्मॉल साइज में है. जितना स्मॉल साइज में होगा उतना ज्यादा चार्ज डेंसिटी इसकी होगी, और जितना भयंकर इस पे चार्ज होगा उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, और इतना बीच में आ देता है कि इट इज कंसीडर्ड एज कोवेलेंट. आई बात समझ में? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फजान्स रूल. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स द पोलराइजिंग पावर. अनदर फैक्टर इज चार्ज ऑफ कैटायन. अनदर फैक्टर इज वॉट? चार्ज ऑफ कैटायन. दूसरा क्या है? चार्ज. दूसरा है चार्ज ऑफ कैटायन. कैटायन पे चार्ज. तो देखो जरा यही देख के बताऊं भाई, ये तो यानी कि हम क्या कह रहे हैं, साइज ऑलमोस्ट सेम है. चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज बढ़ेगा, न्यूमरेटर वैल्यू बढ़ेगी तो वाला वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा. तो चार्ज अगर जो मैं बोल रहा हूं बेटा जी कि चार्ज इंक्रीज मैं करा रहा हूं तो फाइव क्या होगा? ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा. तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज किया तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी, कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा. और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा. आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा यानी चार्ज जितना ज्यादा, चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर. खत्म. देखिए क्वेश्चन से समझते हैं इसको. लाइक आपने ले लिया NaCl, MgCl2, AlCl3, AlCl3. तो देखिए एनायन फिक्स है, एनायन आपने सेम लिया, सब पे माइनस माइनस होने वाला चार्ज है. इसमें दो है तो दो बार माइनस होगा, इसमें तीन है तो तीन बार माइनस होगा. कैटायन, कैटायन बताएंगे इस पे प्लस वन है, इस पे प्लस टू है और इस पे प्लस थ्री है. यानी कि और देखो ध्यान से, तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं. सेम पीरियड के एलिमेंट होंगे तो साइज ऑलमोस्ट सेम होगी. साइज सेम तो किसको देखेंगे? चार्ज को. चार्ज जिसपे ज्यादा वो उतना तेजी से एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा. यानी सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर? इसके अंदर. जिसके अंदर क्या ज्यादा? चार्ज ज्यादा. जिसके अंदर चार्ज ज्यादा. क्लियर हुई बात? ओके, सो दिस वाज द सेकंड फैक्टर. ओके, थर्ड फैक्टर. थर्ड हम लोग बात करेंगे. देखो ये बात रही कैटायन के रिस्पेक्ट में, वो जो इलेक्ट्रॉन को खींचने जा रहा है उसकी दो बातें डिपेंड करेंगी कि उस पे चार्ज कितना है पहली बात, और दूसरी बात उसकी साइज क्या है, उसकी साइज क्या है. अब हम लोग बात करेंगे पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन के बारे में. क्या दूसरा जो इंपॉर्टेंट था? पोलराइजेबिलिटी. पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन. ठीक है, मींस एनायन की खुद की कितनी टेंडेंसी है अपने इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, उसकी बात करने आ रहे हैं हम लोग. ठीक है, चलिए. तो अगेन 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 पहला फैक्टर है बेटा साइज ऑफ एनायन. साइज ऑफ एनायन समझना ध्यान से, समझना ध्यान से. हमने क्या किया, हमने ऐसा एक क्वेश्चन ही लेते हैं सीधे, उसी सॉल्व कर लेते हैं इसको. सी देखिए ध्यान से क्वेश्चन अपना आइए. लेट्स से NaCl, NaF ले लेते हैं इसको, NaF, NaCl, NaBr एंड NaI, NaBr एंड NaI. तो ध्यान से देखो तो कैटायन फिक्स हो गया, सोडियम है कैटायन सब में. इस बार हमने कैटायन फिक्स कर दिया, हम चेंज क्या किए? एनायन चेंज क्या किए? एनायन. तो ये है बेटा फ्लोरीन,
ये है फ्लोरीन और इसकी इलेक्ट्रॉन लिस्ट ये रही, ये है क्लोरीन थोड़ा सा उससे बड़ा होगा साइज में, आपको अच्छे से मालूम है, ये है ब्रोमीन जो उससे भी बड़ा होगा साइज में, और ये है आयोडीन जो सबसे बड़ा होगा साइज में, ठीक है। चार्ज सब पे बराबर, चार्ज सभी पे बराबर। तो देखो इसके न्यूक्लियस से इसके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो काफी कम है, तो ये अच्छे से पकड़ के रखेगा। ये थोड़ी ज्यादा है यहां से यहां तक की दूरी, तो थोड़ा दूर हुआ तो इसके इन्फ्लुएंस से थोड़ा दूर चला गया, इसमें थोड़ा और दूर हो गया, इसमें बहुत दूर हो गया, अरे आया ना। तो जितना न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस का उस पर इन्फ्लुएंस उतना कम होता जाएगा, उतना कम होल्ड करेगा, और जितना मुश्किल से इसको होल्ड करेगा ये, उतना ये फ्री होगा, उतना ये क्या होगा, फ्री होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं हमेशा इस पे, कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस जो है वो आपके पेरेंट्स हैं, है ना, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आप है, ठीक ठीक है। और अब मैं आपका एक नया कैरेक्टर आपके लाइफ में इंट्रोड्यूस करता हूं, वो है आपका दोस्त जो आपके पीछे पड़ा हुआ है कि हम आपको बिगाड़ के रहेंगे, ठीक है। अब आया वो आपके पास, तो चलिए चार कंडीशन है ना, चलिए मैं ऐसे नॉर्मली आपसे पूछता हूं। एक बार आप घर में रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, अब इस केस में आपके दोस्त को बिगाड़ना है आपको। दूसरा, आप अपने ही शहर में किसी और जगह पर रहते हैं, हॉस्टल लेके, इस बार दोस्त को बिगाड़ना है। तीसरी बार, आप इंडिया में ही किसी दूसरे शहर में रहते हैं, ठीक है, अब आपको दोस्त को बिगाड़ना है। और चौथी कंडीशन, आप फॉरेन चले गए, अब आपके दोस्त को बिगाड़ना है। तो आपके पेरेंट्स का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस आपके ऊपर कब होगा, जब वो आपके पास होंगे, जब आप उनके साथ घर में रह रहे होंगे, उससे कम कहां होगा जब आप शहर में कहीं और चले जाएंगे, उससे भी कम कहां हो जाएगा जब किसी और शहर में चले जाएंगे, और सबसे कम कब हो जाएगा जब फॉरेन में चले जाएंगे। भाई थोड़े ना आ रहे देखने, भाई शहर में तो फिर भी वो एक आपस घूमते घामते आ सकते हैं, चलो मान लिया कि इंडिया में है तो भी कभी आ सकते हैं, यहां कोई चांस नहीं है ना। तो बेसिकली आप कहां बिगड़ेंगे भयंकर तरीके से, अगर जो आपको मुझे मैं नहीं यार मैं मतलब आपके दोस्त को बिगाड़ना है तो कहां बिगाड़ेगा अच्छे से, यहां या यहां, यहां, ठीक है। दोस्त वही है लेकिन आप कब बिगड़ रहे हैं ज्यादा, सबसे ज्यादा इस कंडीशन में, क्योंकि आपके अंदर भी ये टेंडेंसी आ गई है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका अट्रैक्ट होगा, बोलो इसका, और सबसे ज्यादा इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट होगा तो बताओ क्या होगा, सबसे भयंकर कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर आएगा, इसी के अंदर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। यानी कि चार्ज ऑन एनायन जितना ज्यादा होगा, साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा, फाई भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम। कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा और आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, सो साइज ऑफ एनायन ये हो गया, नेक्स्ट पार्ट है अपना, साइज ऑफ एनायन के बाद हम लोग बात करेंगे। इसी में एक और फैक्टर, जैसे साइज वहां पे मैटर किया था, फिर दूसरा चीज क्या मैटर किया था, चार्ज, तो यहां पे दूसरा है चार्ज, चार्ज ऑफ या चार्ज ऑन एनायन, एनायन पे चार्ज कितना है, यानी कितना ज्यादा एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, कितना ज्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखा है अपने पास, ठीक है। तो इसको भी एक एग्जांपल से ही देख लेते हैं सीधे सीधे, एक ले लो आप LiF, दूसरा ले लो आप Li2O, और तीसरा ले लो आप Li3N नाइट्रोजन। तो लिथियम को देखें तो लिथियम फिक्स है, मेटल फिक्स है, बार बार कौन चेंज हो रहा है, एनायन, और इस पे पहले पे आएगा -1, इस पे -2, और इस पे -3। तो सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके पास है बच्चे, बताओ, नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो सबसे इजीली कौन होल्ड, सबसे लूजली बाउंडेड किसके इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑब्वियसली नाइट्रोजन के। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसका खींचेगा, नाइट्रोजन का। तो साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा,
पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा, सॉरी चार्ज ऑन एन आयन जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा और आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम। कभी कभी इसी बात को जो मैं आपको ऐसे एरो एरो दिखा के ले रहा हूं, इसी को वो लोग ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, तो वो सब आप खुद से कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है वो, है ना। चलो अगली बात समझते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट। तो बता जा रहा है समझना क्या, बताओ इसका आंसर तो क्या आ गया, खत्म 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 खत्म, जिसके पे चार्ज ज्यादा उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। दिस वॉज द टाइप वन, ये था टाइप वन जिसमें चार फैक्टर थे, पहला साइज ऑफ कैटायन, दूसरा चार्ज ऑन कैटायन, तीसरा साइज ऑफ एनायन और चौथा चार्ज ऑन एनायन, ठीक है। तो दो कैटायन के रिस्पेक्ट में और दो एनायन के रिस्पेक्ट में, ओके। सो ये था टाइप वन आपका, आज हम लोग टाइप वन कंप्लीट कर रहे हैं। आप टाइप टू और टाइप थ्री जो कि मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए नेक्स्ट क्लास का वेट करिए, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। फिलहाल आप टाइप वन जो कि बिल्कुल बेसिक है, इजी है, यहां तक कंप्लीट करके रखिए, ठीक है, और बेसब्री से इंतजार करिए टाइप टू और टाइप थ्री का, बहुत धमाका होने वाला है बॉस। ओके, तो आज के लिए इतना ही रह लेते हैं, थैंक यू वेरी मच।